अलगम स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स तो आज हम एग्जाम्पल टू पॉइंट थर्टी इसको स्टार्ट करेंगे अ कार ट्रेवल्स विद ऑफ मीटर पर दिलास जो है इनिशियल जो है वालासाइव मीटर पर सैकेंड है इट यूनिफॉर्मली एंड अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी मीटर तो जो डिस्टेंस है ऐसा वो हमारे पास फिफ्टी है ये देखें लिखा हुआ है फिफ्टी इफ दिलासटी रीचड इज़ फिफ्टी मीटर पर सेकेंड अगर जो विलासटी है वो कुछ देर के बाद वो हो जाती है पंद्रह मीटर पर सेकेंड तो बाद में जो वेलोसिटी उसको हम कहते हैं वी एफ तो है वो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टू दी ट्रैवल दिस डिस्टेंस है तो हमने एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि जो कार है वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है दूसरा कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है फिफ्टी मीटर का उसको जो टाइम लगा है देखें दी टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस टाइम हमने फाइंड करना है दो चीज़ें एक्सोलेशन एंड टाइम पीरियड है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमने एक्सलेशन फाइंड करनी है हमारे पास वी एफ भी है वी आई भी है एस भी है ए हम जो है यहाँ से ईजीली फाइंड कर लेंगे अभी देखें जी ये फार्मूला हमने क्यों यूज़ किया है देखें अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट थी एक्सलेशन हमने देखा जी एक्सलेशन भी इसके अंदर मौजूद है उसके बाद बाकी जो तीनों के फैक्टर्स हैं वोसिटी वी आई वी एफ और एस वो तीनों के तीनों हमारे पास मौजूद हैं ठीक है तो हम एक जो बाकी रिमेनिंग टर्म है एक्सोलेशन उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं दैट्स वाई वी यूज दिस फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना आउट पुट द वैल्यूज ऑफ दिस टर्म्स एक्सोलेशन हमने फाइंड करनी है टू ए वैसे आ जाएगा एस फिफ्टी वी एफ स्क्र मतलब फिफ्टीन का स्क्वेयर माइनस वी आई मीन्स फाइव स्क्र अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिफ्टी फिफ्टीन का स्क्वेयर आएगा टू टू फाइव और फाइव का माइनस ट्वेंटी फाइव इधर फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई टू हंड्रेड ए मतलब हंड्रेड और एक्सोलेशन आ जाएगी अब इन दोनों को सॉल्व करें टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव तो इनको माइनस करेंगे तो हंड्रेड टू हंड्रेड आएगा ये हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो उधर एक्सोलेशन आ जाएगा तो एक्सोलेशन कितनी आ रही है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो एक्सलेशन टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आ रही है नाउ वी फाइंड टाइम पीरियड जी तो टाइम पीरियड के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर टाइम का फैक्टर है अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो उसके अंदर भी हम टाइम इंक्लूड होता है हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं लेकिन ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वी आई प्लस ए टी ये सिंपल है वी एफ की वैल्यू फिफ्टीन आ गई वी आई फाइव प्लस ए टू आ गया जो भी हमने लेटेस्ट फाइंड किया है मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड तो इनको हम सॉल्व करेंगे ये फाइव को उस साइड पर लेके जाएंगे फिफ्टीन माइनस फाइव आ जाएगा और टू मल्टीप्लाईवर टाइम रह जाएगा तो ये टू मल्टीप्लाइवर टाइम उन्होंने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है और ये फिफ्टीन माइनस फाइव ये टेन आ जाएगा अब टू टी ठीक है अब हमने टाइम फाइंड करना है तो टू को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ये इन्होंने साथ में ना यूनिट्स भी लिखे हुए हैं आप ये यूनिट्स नहीं लिखेंगे साथ में ठीक है आप सिंपल जो है नंबर्स ही लिखेंगे ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती तो हम टू को डिवाइड करेंगे टेन से तो टाइम हमारे पास आ जाएगा जी टेन डिवाइडेड बाई टू फाइव सेकेंड तो उसको कार को फिफ्टी मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा है पाँच सेकंड का ठीक है एक हमने एक्सेलेशन फाइंड करनी थी वो भी आ चुकी है टू मीटर पर सेकंड एंड द सेकंड टर्म इज टाइम पीरियड विच इज़ फाइव सेकंड्स टू ट्रैवल फिफ्टी मीटर्स डिस्टेंस नाउ एग्जांपल एग्जाम्पल टू पॉइंट फोर्टीन अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ठीक है जी द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर फाइव सेकेंडस है तो जब हमने ऊपर से गिराया तो पाँच सेकंड के अंदर अंदर जो है वो ए, क्या होगी वो ग्राउंड को स्टोन वो हिट कर जाएगा हमने क्या फाइंड करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर उसके बाद विलासटी विद विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड ठीक है तो हमने एक तो हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट से हमने पत्थर को नीचे फेंका है दूसरी बात हमने विलासटी फाइंड करनी है कि स्टोन कितनी विलासटी से आके ग्राउंड से के साथ टकराया है तो फर्स्ट है कि जब हम जी तो ये सपोज करें कि टावर से आप स्टोन नीचे की तरफ़ ड्रॉप कर रहे हो जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वी आई वो जीरो होगी जो ही वो नीचे फॉल करेगा ग्राउंड पे आके हमें चेक करना है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी और इस टावर की हाइट कितनी ये दो चीज़ें हम चेक करेंगे जी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो भी हमने बात कर चुके हैं जो इसके अंदर जी ये हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशन एक्सोलेशन का कि जो चीज़ें ग्रेविटी के अंडर फाल करती हैं उधर हम एक्सोलेशन जो है वो जी फाइन यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है तो हमारे पास एक्सुएशन भी है मौजूद यहाँ पे टाइम उन्होंने दिया हुआ है फाइव सेकंड का हमने एस फाइंड करना है या हाइट ए की बात है ये किसकी हाइट है ये टावर की हाइट है और हमने वी एफ फाइन करनी है ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा स्टोन जी तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की हुई है एच लिख लें या एस लिख लें एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू जी टी स्क्र ठीक है एच इज़ क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी थी तो ये या तो हम जो डिस्टेंस है वो सेकंड इक्वेशन के अंदर आता है एच एस आ सकता है वी आई टी या थर्ड इक्वेशन में टू एस इजिकल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र तो ये सेकंड जो है ये सबसे बेहतर है ये देखें ठीक है ये हम यूज़ नहीं कर सकते थर्ड क्यों क्योंकि यहाँ पर हाइट तो ठीक है हमने फाइन करनी है लेकिन हमारे पास वी एफ भी मौजूद नहीं है लेकिन अगर हम हाइट यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं हमारे पास वी आई भी है टाइम भी है जी भी है फिर टाइम है तो हम यहाँ पे जो सेकंड है वो ही यूज़ करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे वी आई जीरो हो गया मल्टीप्लाई बाय टाइम फाइव है प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई जी टेन मल्टीप्लाई बाई टी स्क्र मतलब फाइव स्क्र तो ये पूरी टर्म वी आई टी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि फाइव मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो प्लस इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये वन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो एच इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव मीटर तो मतलब जो हाइट है टावर की वो वन ट्वेंटी फाइव मीटर है ना वी फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ़ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड जी तो इसके लिए हम जो है थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास अब एच भी आ चुका है जी भी मौजूद है वी आई भी है तो हम वी एफ ईजिली फ़ाइन कर लेंगे तो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्र इज इक्वल टू जी एच वी एफ स्क्यर हमने फ़ाइन करना है वी आई ज़ीरो है मल्टीप्लाई बाई टू जी की वैल्यू टेन और हाइट आपने अभी फ़ाइंड किया वन ट्वेंटी फाइव मीटर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तीनों टर्म्स को तो ये आ जाएगा टू फाइव डबल ज़ीरो ठीक है जी अब ये स्क्वेयर है अभी हमें वी एफ़ स्क्र नहीं चाहिए हमें जस्ट वी एफ चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे जब आप वी एफ़ का स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे तो पच्चीस सौ का जो स्क्वेयर रूट आएगा वो पचास मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये तो हाइट भी हमने फाइंड कर ली एक सौ पच्चीस मीटर है और जो ग्राउंड पर जब स्टोन हिट करेगा आगे उसकी तो जो स्पीड होगी वो होगी फिफ्टी मीटर पर सेकेंड तो आई होप ये स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा ओके जी स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़